ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देर न करते हुए रुकते हैं पहली बड़ी खबर। खबर कुंडा इलाके से, जहां स्वर्गीय सुंदरलाल यादव महाविद्यालय देहगरी जमालपुर कुंडा के अध्ययनरत छात्रों ने अपने भविष्य को लेकर किया प्रदर्शन। बता दें कि उक्त महाविद्यालय के प्रबंधक व सपा नेता छवनाथ यादव पर कई मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में गंगेश एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उनके महाविद्यालय सहित कई अन्य चलाचल संपत्ति को प्रशासन ने सीज कर दिया था। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने गुरुवार को विद्यालय गेट पर अपने भविष्य को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। उधर छवनाथ यादव की पत्नी प्रियंका यादव ने डीएम को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उनके पद पर राजनीतिक द्वेष के चलते फर्जी मुकदमे दर्ज कर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासक नियुक्त कर महाविद्यालय को निर्बाध रूप से संचालित कराया जाना छात्रों के हित में है। इस दौरान भारी संख्या में छात्र छात्राएं भी मौजूद रही। अब देखना यह होगा कि इन छात्रों के भविष्य के लिए प्रतापगढ़ का जिला प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करता है, क्योंकि अगर महाविद्यालय नहीं खुलेगा तो आखिर इनके भविष्य का क्या होगा। फिलहाल अंधकार में भविष्य को देखते हुए छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। खबरपट्टी इलाके से, जहां महिला ने लगाया अपने ही सगे देवर पर दुष्कर्म करने का आरोप, किया मामले की शिकायत। बता दें कि मामला पट्टी कोतवाली इलाके के गाँव का है, जहाँ गाँव की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि उसका पति बाहर रहता है, जिसकी वजह से उसका देवर आए दिन उसे परेशान करता है। कई दिनों से उसके साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को भी अंजाम दिया जा रहा है। इसे लेकर वह पट्टी कोतवाली पहुंची, जहां शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। खबर प्रतापगढ़ से, जहां रोडवेज बस का ब्रेक हुआ फेल, स्कूटी को रौंदा। बता दें कि रोडवेज बस अड्डे से निकलते ही एक बस का ब्रेक फेल हो गया। सड़क किनारे खड़ी स्कूटी उसकी चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई। रोडवेज बस की डिपो गुरुवार रात करीब 8 बजे सवारी लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। कचहरी परिसर से स्ट्रेटजी चौराहे के पास बस का ब्रेक फेल हो गया। बस ने सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को रोक दिया, इससे स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि उस पर सवार लोग उतरकर बाहर निकल आए, जिसके बाद इसकी जानकारी रोडवेज बस के जो अधिकारी हैं उनको दी गई। मौके पर पहुंचे रोडवेज बस के अधिकारियों ने इस बस का ब्रेक ठीक कराया, जिसके बाद यहां से इस गाड़ी को रवाना किया जा सका। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। खबर कुंडा इलाके से, जहां पढ़ाने के बजाय बच्चों से पंखा झलवाने वाले गुरुजी का वीडियो बनाना पत्रकारों को महंगा पड़ गया। पत्रकारों के साथ घंटों गुरुजी ने अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो कुंडा विकासखंड के साहपुर गाँव स्थित प्राथमिक विद्यालय का है, जहाँ के सहायक अध्यापक संजीव त्रिपाठी छात्रों से पंखा झलवा रहे थे। तभी पत्रकारों ने उनका फोटो और वीडियो बनाना शुरू किया, जिससे वह नाराज हो गए और काफ़ी देर तक पत्रकारों से उलझकर उनके साथ अभद्रता करते नजर आए। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में प्रतापगढ़ का जिला बेसिक शिक्षा विभाग किस तरीके की कार्रवाई करता है। यह पहला मामला नहीं है कि जब गुरुजी स्कूल में बैठकर बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे पंखा झलवाते हैं। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। खबर महेशगंज इलाके से, जहां पुलिस पर हमला कर 3 आरोपितों को छुड़ाया गया। बता दें कि चमनचे संग पकड़े गए युवक से पूछताछ के बाद महेशगंज पुलिस ने अवैध असलहों का धंधा करने वाले 3 लोगों को पकड़ा। तभी उनके करीबी पहुंच गए और पुलिस टीम पर हमला कर सभी को छुड़ा ले गए। लालगंज कोतवाली के हरनाहर तिराहे पर बुधवार शाम हुई घटना की SHO महेशगंज ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। महेशगंज थाने के SI हेमंत वर्मा ने बुधवार शाम आजाद नगर से पटना नहर पर विमलेश यादव को तमंचे से पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने महेशगंज गोपाल का पूर्वा के गोलू शुक्ला, जलेसरगंज लालगंज के गुड्डू मिश्रा और पूर्व जने के दिलीप पाल से तमंचा खरीदा है। उनके पास और भी तमंचे हैं। जानकारी के बाद महेशगंज के थानाध्यक्ष अनिल पांडे टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। थानाध्यक्ष महेशगंज ने फोर्स के साथ लालगंज के हरनाहा तिराहे से 3 लोगों को धर दबोचा। इसी दौरान आरोपियों के रिश्तेदार पहुंच गए और पुलिस टीम पर हमला कर सभी को छुड़ा ले गए। घटना के दौरान हरनाहा तिराहे पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। थानाध्यक्ष महेशगंज अनिल पांडे ने इस मामले में लालगंज कोतवाली में करीब 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों पर हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लालगंज और महेशगंज की अलग अलग पुलिस टीमें लगाई गई हैं। सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करते हैं अगली बड़ी खबर। खबर संग्रामगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी हुई है, जहां पर स्थिति बद से बदतर नजर आ रही है। यहां पर भर्ती मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये का बजट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों के लिए खर्च करती है, बावजूद इसके
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामगढ़ में हालत यह है कि यहाँ पर जो पंखे लगे हैं वह 100 पीस बनकर रह गए हैं और यहाँ पर आने वाले मरीजों को उनके तीमारदारों द्वारा दफ्ती या अन्य व्यवस्थाएं करके उन्हें गर्मी से राहत देने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल के बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रतापगढ़ के सीएमओ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि जल्द ही जो भी समस्याएं हैं उसका निदान किया जाएगा और यहां पर भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होगी।